जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली का रहने वाला सक्षम ठाकुर हाल ही में खेलो इंडिया अभियान के तहत उड़ीसा में आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लेकर वापस लौटा है। अब जल्द ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के मुकाबले के लिए क्वालिफाई टेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सक्षम ठाकुर भी भाग लेगा। लेकिन इस उपलब्धि को पाने के लिए सक्षम की राहें बिल्कुल भी आसान नहीं है। सक्षम ठाकुर को अनुभव के साथ साथ आर्थिक मदद की भी दरकार है। मानक ठाकुर ने बताया कि सक्षम पहले नशे की गर्त में डूबता जा रहा था, तो ऐसे में उसे खेलों की ओर मोड़ने का विचार किया गया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। सक्षम ठाकुर ने धीरे धीरे सभी नशों को छोड़ दिया और आज वह एक सफल बॉक्सर है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए उसे अभी तक सरकार व प्रशासन की ओर से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। ऐसे में अगर उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है तो शायद वह दोबारा नशे के दलदल में धंस सकता है। गौर रहे कि प्रदेश सरकार भी युवाओं को नशे से दूर करने के लिए कई तरह के अभियान चला रही है, जिसमें खेले भी प्रमुख रूप से शामिल है। सक्षम ठाकुर ने खेलों के जरिए नशे पर तो जंग जीत ली, लेकिन आगामी भविष्य में सरकार व प्रशासन उसके लिए किस तरह से मदद कर पाती है, ये अभी भी भविष्य गर्भ में छुपा हुआ है। मैं इंटर कॉलेज पे हिमाचल की तरफ से खेलने गया था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। वहाँ पर जो भी मेडलिस्ट थे उनको क्वालिफाइड राउंड हमने क्रॉस किया, तो उस द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो चली थी उस पे मैंने गोल्ड मेडल जीता है। वो उड़ीसा पे हो रही थी। खेलो इंडिया पे पहले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से जो सिलेक्टेड टॉप 8 प्लेयर थे वही वहाँ पर उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था, टॉप 8 जो इंडिया के। मैं भी नशे की चपेट पे आ गया था मनाली पर, तो मैंने फिर बॉक्सिंग स्टार्ट की और मैं इससे आज दूर हूँ और आज हिमाचल के लिए मैं मेडल जीत रहा हूँ। मेरा भी अनुभव रहेगा सभी यूथ, आने वाले यूथ से, कि वो भी नशे से दूर हो। सक्षम एक समय था गलत संगत में पड़ रहा था, तो सक्षम को मैंने कहा कि ये बुरी संगत में जा रहा है, तो इसे मैंने कहा कि चलो आ जाओ बॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्सिंग में कुछ इनको राउंड्स पैड्स के कराए, तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये बच्चे में फिजिकली कुछ क्षमता है, पढ़ाई में नहीं हो सकता, तो मैंने कहा चलो इसे स्पोर्ट्स में इसका करियर बनाते हैं। तो उसके बाद हम दिल्ली गए, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो ये 100 मीटर नहीं भाग पाता था ढंग से, 100 मीटर भागने के बाद इसका सांस फूल जाता था। दिन ब दिन हमने मेहनत की, ज़िंदगी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो पहले एक महीने का टारगेट बनाया कि हमें पहले 2 किलो वज़न कम करना है और 5 पुशअप मारने हैं। तो विद इन 10 डेज में हमने 7 पुशअप्स का जो एक हमारा टारगेट था वो कंप्लीट किया। फिर उसके बाद एक साल का टारगेट बनाया कि नहीं, हमें 3 किलोमीटर कंटिन्यू दौड़ना है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम टारगेट बनाते गए और उसे अचीव करते गए। तो जो भी कुछ यहाँ पे हमारे ज़िले में युवा हैं नशे की चपेट में हैं या आ रहे हैं और वहाँ से छूटना चाहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम कभी से छूट नहीं पाएंगे, तो उनके लिए मेरा एक संदेश है कि अगर सक्षम अगर कुछ कर सकता है, अगर वो नशे से दूर हट के आज हमारे प्रदेश को एक गोल्ड मेडल दिला सकता है, तो आप मेरे भाई सब लोग भी हमारे प्रदेश को गोल्ड मेडल जिता सकते हो और एक हमारे समाज के लिए एक एसेट बन सकते हो। अभी सरकार और प्रशासन से मेरी मांग रहेगी कि जो सक्षम अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए अभी इसका क्वालिफाइंग होगा, तो उसके लिए इसकी सहायता की जाए और थोड़ा फाइनेंशियली टर्म पे भी और थोड़ा कोचिंग टर्म पे भी। हमारे जैसे यहाँ पे कुल्लू में सेटअप नहीं है, तो उसको शीघ्र कंप्लीट किया जाए ताकि बच्चा यहाँ पे मेहनत करे और जो आने वाला अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के क्वालिफाइंग है उसके लिए मेहनत करके उसमें सिलेक्ट हो। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।